CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम धारा शिखो, मुगल इतिहास का एक भूला बिसरा शहजादा। हमारी इस ऐतिहासिक दर्द भरी दुखांत कहानी का नायक है दारा शिकोह। ताजमहल की तामीर करने वाले बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े शहजादे दारा शिकोह, मुगल सल्तनत पर आधी सदी तक राज करने वाले बादशाह औरंगजेब के सबसे बड़े भाई दारा शिकोह, और इन सबसे ऊपर एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु इंसान दारा शिकोह। ये खोजी फकीर मोहम्मद दारा शिकोह जब कश्मीर पहुंचा, अनेक महान ग्रंथों के ज्ञान ने उसकी आंखें खोल दी। उसने पाया कि पाक कुरान हो, ईसाइयों की किताबें मोजजा हो या चारों वेद और उपनिषद, सबका ईश्वर एक है। कई इतिहासकारों का मत है कि अपने तीसरे और महत्वाकांक्षी भाई औरंगजेब की जगह अगर तख्त का असली वारिस दारा शिकोह हिंदुस्तान का बादशाह बनता तो वो दूसरा अकबर आजम होता और हिंदुस्तान की तहजीबी तकदीर और तस्वीर कुछ और ही होती। मेरे आका, आज हम मुगल सल्तनत के शहजादा खुर्रम की हैसियत से नहीं आए हैं, आज तेरे दर पर एक गरीब बाप सजदा करने आया है। मेरे गरीब नवाज, तेरी रहमत से हमें प्यारी प्यारी बेटियों का बाप बनना नसीब हुआ। मेरे आका, इस गरीब बाप को एक बेटे से भी नवाज दे, हमें सल्तनत के लिए एक वारिस दे दे, एक वारिस दे दे मेरे मौला, एक वारिस। मुबारक हो, मुबारक हो शहजादा खुर्रम की बड़ी बेगम, मुमताज महल ने बेटी को जन्म दिया है। शहंशाह जहांगीर के पोते ने पुश्ते सल्तनत में अपना कदम रख लिया है। मुबारक हो, मुबारक हो। इस प्यारे से बेटे का नाम रखा गया दारा शिकोह। फारसी में दारा का मतलब है आलीशान। नन्हे सुल्तान मोहम्मद दारा शिकोह की शिक्षा की जिम्मेदारी कई उस्तादों को सौंपी गई। शाह मुहिबुल्ला, शाह दिलरुबा, मोहम्मद लिसानुल्ला के अलावा शायरी और इतिहास सिखाते थे मुल्ला लतीफ सुल्तानपुरी। फलसफा, जिसे फिलॉसफी और दर्शन भी कहते हैं, ये पढ़ाते थे अब्दुल रशीद देहलवी। फारसी भाषा और नस्तालीक लिखाई यानी कैलीग्राफी सिखाते थे उस्ताद मीरक शेख। इस तरह दारा की संगीत, नृत्य, कला, भाषा और दर्शन की शिक्षा साथ साथ होने लगी।
वाह वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सितार बजाते हैं शहजादा, बहुत खूब बहुत उम्दा। शुक्रिया शुक्रिया। आइए बेटा हुजूर। जी। अब सीखते हैं नस्तालीक लिखाई। जी। इसमें फारसी के हरूफ को ऐसे लहरा कर लिखते हैं, ये देखिए, अलिफ बे। वाह उस्ताद मीरक शेख, आपकी कलम से तो एक एक हर्फ कितना अच्छा निकल कर आ रहा है। लाइए हम भी कोशिश करके देखते हैं। हाँ ये लीजिए। जी। अलिफ बे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बेटा हुजूर आप तो हर हर्फ को तस्वीर बनाते जा रहे हैं। हौसला अफजाई का शुक्रिया उस्ताद सुल्तानपुरी। वो आप अक्सर क्या गाते हैं? बाबा फरीद का दोहा आज फिर से तो सुनाइए। अच्छा अच्छा, तो सुनेंगे नौशा मियां, सुनिए। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना ले आपनड़े गिरिवान में, आपनड़े गिरिवान में सिर निवा कर दे काले। बहुत खूब बहुत उम्दा। शुक्रिया, हम खुश नसीब हैं कि हमें उस्ताद सुल्तानपुरी से मौसीकी सीखने का मौका मिला, और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं जनाब अब्दुल रशीद दहेलवी साहब कि आपने हमें अपना शागिर्द कबूल किया। क्या बात करते हैं बेटा हुजूर, शुक्र करो उस परवरदिगार का, क्योंकि सारी सलाहियतें उसी की बख्शी हुई हैं और उसी ने तो सारा जहान बनाया है। ये सारा जहान अल्लाह की मर्जी से ही चलता है। जी, लेकिन हमने अपनी कनीज को अपने नन्हे बेटे से कहते हुए सुना था कि दुनिया को चलाने वाला भगवान है, लेकिन आपने और अब्बू ने बताया कि जहान अल्लाह की मर्जी से चलता है। बेटा वो कनीज हिंदू रही होगी, जबकि हम मुसलमान हैं। तो क्या मजहब अलग होने से खुदा अलग हो जाता है? क्या हमारी कनीज का भगवान कोई और है और हमारा अल्लाह कोई और? बेटा वो दरअसल हर मजहब के मुताबिक मालिक का नाम जरूर बदल जाता है। यही तो हम कहना चाहते थे कि खुदा कहो या भगवान, सबका मालिक एक है। दारा इसी इंसानियत और सर्वधर्म समभाव की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता रहा। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार शहजादाए शाहजहां नूरे हिंदुस्तान बादशाह ज़ादाए बुजुर्ग जलालुल कादिर सुल्तान मोहम्मद दारा शिकोह शाहे बुलंद इकबाल अपनी बेगम नादरा करीमुन निसा के साथ तशरीफ ला रहे हैं। ये थे दारा शिकोह। सियाह शाहजहानी दाढ़ी, ऊंचा कद, सुडौल शरीर, बाजुओं पर बंधे जोशन के बीचों बीच संस्कृत में ब्रह्म का लफ्ज खुदा था।
कमरबंद के पट्टे के बीच में शिव की मूर्ति और अलमास की आरसी में शिव की तस्वीर खुदी थी। दाहिने हाथ की पहली उंगली में अशर्फी के बराबर अंगूठी जिस पर संस्कृत में प्रभु शब्द खुदा हुआ था। योगियों और संतों, मंदिर और मस्जिद, कुरान और उपनिषद का एक सा सम्मान करने वाला ये अजीम इंसान था दारा शिको। कट्टरपंथी दरबारियों और औरंगजेब की दृष्टि में ऐसा धर्मविहीन व्यक्ति सल्तनत का वारिस और अधिकारी नहीं हो सकता था। औरंगजेब अपनी ये शिकायतें अक्सर शाहजहां से करता। दारा अब्बा हुजूर, औरंगजेब आलमपना, आज रूबरू बात हो जाए। हमारी समझ में नहीं आता औरंगजेब कि आपको दारा से इतनी चिढ़ क्यों है। आपको हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। आलमपना अब्बा हुजूर, हम अपने बड़े भाई हुजूर दारा की इज्जत करते हैं, लेकिन आज हम ये कहने को मजबूर हैं कि हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह अपने धर्म कर्म से मुगलियान की तौहीन कर रहा है। मुगलियान जिस पर तैमूर और बाबर ने इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया था। औरंगजेब, मुगलिया सल्तनत का वजूद फिरका परस्ती पर कायम नहीं है बदबख्त। दारा मोहब्बत और रवादारी के उसूलों पर कायम है, जिसकी वजह से तुम्हारे मरहूम परदादा अकबर आजम कहलाए। बाबा, बाबा हजरत से इल्तजा है कि औरंगजेब की बदजबानी को नादानी समझकर उसे माफ कर दिया जाए। हम कैसे माफ कर दें दारा, कैसे? औरंगजेब की बातों से बगावत की बू आती है। इसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को धमकी दी है, इसे हम कभी माफ नहीं कर सकते। आलीजा, मैं बागी नहीं हूं, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि भाईजान दारा शिको पांचों वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते। और खामोश, हम अपने चश्मों चराग के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहते। आप जा सकते हैं। जो हुक्म वालिद बुजुर्गवार। खुदा करे आपका और हमारे अजीज बिरादर का इकबाल बुलंद हो। हमारे अभी बहुत से काम बाकी हैं, हम चलते हैं। भाई भाई औरंगजेब, जहांपना जहांपना, हमें भी इजाजत दें। भाई भाई सुने तो, भाई ये थे दारा शिको। सिवाय जुमे की नमाज के और नमाज वो नहीं पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सन 1640 ईस्वी में वो लाहौर के कादरी सूफी संत मियां मीर के शिष्य बन गए। इसके अलावा सिख गुरुओं गुरु नानक और छठे गुरु गुरु हर राय का भी उन पर बहुत असर था। हक परवर हक केश, गुरु करता हर राय। हक परवर हक केश, गुरु करता हर राय। सुल्तान हम दरवेश, गुरु करता हर राय। सुल्तान हम दरवेश, गुरु करता हर राय। हक परवर हक केश, गुरु करता हर। 43 वर्षीय दारा शिको पंजाब और आसपास के सूबों के गवर्नर थे और अपनी दरिया दिली और रहम दिली के कारण प्रजा के बहुत चहेते थे। उनसे छोटा भाई शुजा
जो बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था, और सबसे छोटा भाई जो गुजरात और कुछ अन्य पश्चिमी सूबों का गवर्नर था। ये दोनों अय्याश, महाउन्मादी और बेवकूफ थे। उनतालीस वर्षीय औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था। वो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता था और अपने मजहब का पक्का था। एक तरफ था षड्यंत्रकारी, सत्ता का लालची औरंगजेब, और दूसरी ओर फक्कड़ मिजाज, दिल से फकीर दारा शिकोह। सन 1657 में जब औरंगजेब सत्ता हथियाने के पैंतरे चल रहा था, दारा शिकोह फारसी शायरी, इतिहास, संस्कृत भाषा और योग में रुचि दिखा रहे थे। सन 1657 में ही उन्होंने 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। इसे सिर्र अकबर या सिर्रुल असरार के नाम से भी जाना जाता है। सिर्र अकबर का अर्थ है द ग्रेट मिस्ट्री। दारा शिकोह ने कई और किताबें लिखी, जैसे मजमूल बहरीन। इसमें हिंदुत्व और इस्लाम का मेल दर्शाया गया है। रिसाला हकनुमा, हसनतुल आरिफीन, सफीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, सवालो जवाब, दारा शिकोह और बाबा लाल दास उनके अन्य ग्रंथ हैं। उनकी कविताएं दीवाने दारा में उपलब्ध हैं। दारा शिकोह का मत था, इस्लाम और हिंदू धर्म जुड़वा बेटों जैसे हैं, जैसे एक ही सिर के अलग अलग भाव। मेरे लिए सोमनाथ और काबा दोनों बराबर हैं। दारा शिकोह, बदन पर साधारण कुर्ता जिस पर एक भी हीरा पन्ना मोती नहीं, गले में मामूली सी नारंगी चादर। ये किसी सल्तनत का शहजादा नहीं, बल्कि ईश्वर के रंग में रंगा एक फकीर था। दारा जब इश्क हकीकी की ओर बढ़ रहे थे, औरंगजेब ने बीमार शाहजहां को कैद कर लिया। ऐसे में उदास और गमगीन दारा शिकोह का हाथ अपने हाथ में लेकर बहन जहां आरा बोली, भाईजान। कहो आपा। हमारा यही मशवरा है कि उठो, ताज पहनकर तख्ते ताउस पर बैठो, करो मनसबदारों से तोहफे कबूल करो, और सल्तनत को पारा पारा होने से बचा लो। आपा, कसम परवरदिगार की, हमारा दिल कहता है जिल्ले सुभानी से हतियाब होंगे। लेकिन भाईजान, रोशन आरा और औरंगजेब एक हो गए हैं, आप उनकी चालों को समझें, और इससे पहले कि देर हो जाए सल्तनत संभाल लें। और जब अब्बा हुजूर को पता चलेगा कि उनकी उस औलाद ने जिसको उन्होंने सबसे ज्यादा चाहा, औलाद ने उनकी बदहाली का नाजायज फायदा उठाकर ताज पहन लिया, तो अब्बा तख्ते ताउस के लिए यह कीमत बहुत ज्यादा है। हम न दे सकेंगे ये कीमत। आपा, मोहब्बत को वक्त दीजिए, औरंगजेब भी मोहब्बत की पनाह में आ जाएगा। हौसला रखिए,
लेकिन ऐसा हो न सका। औरंगजेब मोहब्बत की पनाह में नहीं बल्कि नफरत की गिरफ्त में आ चुका था। एक शांति प्रिय शहजादा युद्ध को मजबूर हुआ। मार्च सन 1659 को अजमेर के निकट देवराई की घाटी में वर्षों चुपचाप युद्ध की तैयारी करने वाले औरंगजेब से दारा शिको की पराजय हुई। फिर भी दारा औरंगजेब के हाथ नहीं आया था, लेकिन भोले भाले दारा शिको को एक विश्वासपात्र व्यक्ति जीवन खान ने धोखा दिया और उसे औरंगजेब के हवाले कर दिया। सन 1629 अगस्त से 8 सितंबर के बीच दारा शिकोह को कैदी बनाकर दिल्ली के कूचाओ बाजार में घुमाया गया। पैरों में जंजीर, फटा कंबल कमर में लपेटे, पश्मीने का फटा दोशाला कंधे पर डाले दारा अब एक मजबूर भिखारी था। काई में लिपटी मैली कुचैली हथनी पर बैठाकर जब दारा को चांदनी चौक में घुमाया जा रहा था तो लोग दिल दहलाने वाला ये मंजर देखकर चुप ना रह सके। गुपचुप आपस में बात करने लगे, जिनमें एक दृष्टिहीन सूफी फकीर भी था। शाही जुल्म है, ये शाही जुल्म है। हर दिल अजीज दारा का ये हाल देखा नहीं चाहता। या खुदा, नेक नियतों पर ये कहर। अरे भाई, बहुत बुरा। अरे भाई, मुझे मेरे दारा से मिलने दो भाई। अरे मेरा दारा कहाँ है? अरे बाबा, कोई बताओ ना। बाबा आप देख नहीं सकते, कहीं हथनी के नीचे ना आ जाए। अरे देख ली दयानत उसकी, अब दुनिया को क्या देखूं? इंसाफे कयामत का वो दिन, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। क्या बात है, बहुत बहुत। अरे ये तो मेरे बाबा फकीर हैं। ए फकीर, कहाँ चला गया? क्या दिखता नहीं है क्या? पीछे, पीछे। अरे भाई, अरे सुनो भाई, सुनो, मुझे मुझे मेरे दिल के सुल्तान से कुछ कहना है। तो ये आप हैं फकीर बाबा, दुनिया के फकीर, हर खुदा के मुंह लगे। कहिए बाबा, ये गरीब आपकी क्या मदद कर सकता है? तुम गरीब हो तो ये जालिम क्या है? क्या तुम्हारी रहमतों का दरिया सूख चुका है मेरे सुल्तान? नहीं बाबा, ये पश्मीने का दुशाला है, इसे ही रख लो। आज तुम्हारे सुल्तान की औकात यही रह गई है। ए, ए कैदी, ये क्या कर रहा है तू? तू जानता नहीं कैदी किसी को भीख नहीं दे सकता। रख दे दुशाला यहाँ, और ये फकीर तू भाग यहाँ से। देखा मियां, हमारे सिपाही जनाब बहादुर खान कोकलतश कितने उसूल परस्त हैं। ऐ फकीर, हमारी फकत दुआ तो लेता जा। हकीकी आशिकी में यूं दुआएं काम आती हैं, खुदी से दूर हो जितना खुदा के पास लाती है। आ, 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 आ,
फिर औरंगजेब ने दारा शिकोह पर ला मजहब यानी धर्म विहीन होने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया और काजी फजलुल हक ने उसे मौत की सजा सुनाई। दारा और उसके बेटे सिपहर शिकोह की निर्मम हत्या के बाद दोनों को हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया। दारा शिकोह विभिन्न धर्मों का मिलन बिंदु ढूंढते ढूंढते अपने दौर से बहुत ज्यादा आगे निकल आए थे। इंसानियत और प्रेम की भावनाएं रखने वाले दारा को हिंदुस्तान के इतिहास में काला गुलाब कहते हैं। न राहे इश्क पे चलते जो हम तो क्या होता, निगेबा मेरा खुदा है न पता होता। जमीन की खाक को फलक यूं अता करने वाले, जहां ये बेमुरब्बत को भी तो पता अपना दिया होता। साजिश जो आदमी है आदमी से डर रहा है, साजिश खुदा की राह में ये कौन बेहयाई कर रहा है, साजिशें। मजहब के नाम पे दिलों में नफरतों को भर रहा है, साजिशें। दारा तेरी कोशिश तो थी के इश्क होना चाहिए, इश्क होना चाहिए, इश्क होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। दारा शिकोह, मुगल इतिहास का एक भूला बिसरा शहजादा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, शोध एवं शोध आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आभार दारा शिकोह पुस्तकालय दिल्ली और उर्दू विभाग NCERT। कलाकार अश्वनी वालिया, सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, राम मैनी, विद्या भूषण, राजेश आहूजा, प्रवीण शर्मा, नीरज शर्मा, मुइनुल हसन, परवेज गौहर, सादिया रहमान और तारक। संगीतकार हरभजन सिंह। गायन स्वर देवाशीष और आदित्य। ध्वनियांकन अमिता भट्टी और बटी लैंगलिंगडॉ। आलेख ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।